नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करेंगे। इस पाम में पैसा देने वाली साइनें भी है और पैसा खींचकर यानी लॉस वाली लाइन दोनों साथ साथ में चल रही है। यानी इनका जीवन प्लस माइनस चलते चलते आगे बढ़ते रहेगा। अब देखें तो इस पाम को कंप्लीट एक कव सा बन रहा है। जब इस तरह का कव बनता है तो व्यक्ति अपॉर्चुनिटियाँ कैप्चर करने में काफ़ी एक्सपर्ट रहता है। और यहाँ पर पाम को देखे तो ये कंप्लीट चौड़ाई लिए हुए, तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है। जब इस तरह का पाम होता है तो अपनी मेहनत के बल पर अच्छा खासा विकास करता है। और यहाँ पर कव भी है तो थोड़ा सा व्यक्ति को संगीत के प्रति रुचि भी रहती है और अंगूठा भी काफ़ी अच्छा है। तो व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग नहीं और बहुत कमज़ोर भी नहीं, मध्यम तरह का व्यक्तित्व होगा इनका। और फर्स्ट उंगली को देखें तो अच्छी खासी बैंड हो रही है, तो व्यक्ति धार्मिक किस्म के ज़्यादा रहते हैं। और छोटी उंगली को भी देखें तो फर्स्ट फैलन तक लगभग पहुँच रही है, तो व्यक्ति फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, लेज़र यानी अकाउंट्स के बारे में भी अच्छी समझ रहती है। प्लस जो पैसा कमाते उसका आयोजन ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते, जिनकी ये उंगली बड़ी होती है। और ये भी बड़ी है और अंगूठा भी बड़ा है, तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा सफल होता है। और इस पाम में एक और खासियत है, बहुत बड़ा एक से नहीं दो तीन ब्रेक में होकर शुक्र वलय है। एक तो यहाँ तक चला, एक ये और एक कंप्लीट होता हुआ यहाँ तक। जब इतने सारे शुक्र वलय हो तो व्यक्तियों की भावना काफ़ी उमड़ती है, यानी व्यक्ति को कंट्रोल करने की आदत बनानी पड़ती है। इनकी भावना एक्सट्रीम लेवल पर चार्ज होती है और ये लोग सीख भी जाते हैं उस भावनाओं को कंट्रोल करना, पहली चीज़ ये। दूसरी, इस तरह का शुक्र वलय व्यक्ति को पैसे में भी अच्छा खासा सहायक होता है। ऐसे लोग जब जन्म लेते हैं उस जिस घर में, वहाँ पर भी समृद्धि आनी शुरुआत होती है और ये खुद भी अच्छा खासा पैसा कमाते। जहाँ आम इंसान हज़ार कमाता वहाँ ये लोग लाखों करोड़ों कमाते, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। पर फिर भी मैं कहूँगा इनको भावनाओं को कंट्रोल करने की आदत डालनी होती है और लगभग मेरा एक्सपीरियंस ये है ये लोग सीख भी लेते, एक उमड़ती है, भावनाओं का अंबार उबरता है। पर फिर भी कहूँगा पैसा देने में ये अच्छा खासा सहायक होता है। प्लस कला क्षेत्र की इनको समझ बहुत ज़्यादा होती है, आप और हम जो कला को समझ पाते उनसे ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कला को समझ पाते हैं। अब चलते हैं इनके बुध ग्रह पर। इनके देखे तो ये दो ग्रह पावरफुल है और ये दो ग्रह दबे हुए, तो ये एक माइनस पॉइंट है। जब बुध ग्रह दबता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, मन के अंदर ही रखता है, किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता। ये एक सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होती है, मैं इसका इलाज दूंगा इनको। और खड़ी लाइनें भी है, तो पर्वत तो ऐसे देखा जाए तो व्यवस्थित है पर उभार नहीं है, पैडिंग नहीं है उस पर। और यहाँ पर चलते अभी सूर्य पर्वत की ओर। सूर्य पर्वत पर भी देखें तो सूर्य रेखा काफ़ी हल्की चल रही है इनकी और है यहाँ से कंप्लीट इतनी बड़ी है। पर कोई भी रेखा जब स्ट्रांग होती है तो उसके फल अच्छे मिलते और ये काफ़ी लाइट होते होते चलते चलते यहाँ से डार्क हो रही है। लगभग उम्र 55 के आसपास से ये काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, उसके पहले काफ़ी लाइट है। तो इनको यश तो काफ़ी मिलेगा और 56 के बाद एक कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आएगी।
तो ये काफ़ी बेटर साइन है इनके हाथ पर, इतनी बड़ी सूर्य रेखा, और नॉन स्टॉप है, ऐसा भी नहीं कि कहीं पर ब्रेक हो रही है, केवल यहाँ पर ब्रेक हो रही है इस पार्ट में, और यहाँ से दूसरी निकल रही है। तो ये सूर्य रेखा इनको कंफर्टेबल इनकम तो देती रहेगी, भले लाइट है फिर भी कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आती रहेगी और यश भी मिलता रहेगा इनको। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत अच्छा खासा फ्लैट है, ये प्लस पॉइंट है, और उस पर दो स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे, दो से भी ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, जिनके भी शनि पर्वत पर स्क्वायर बनता है, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जितने ज़्यादा स्क्वायर, और एक अगर बहुत बड़ा स्क्वायर होता है तो व्यक्ति को बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसका लाभ मिलता है, और ये छोटे छोटे स्क्वायर भी व्यक्ति को प्रॉपर्टियों का लाभ देती है, पर ये सब पुश्तैनी होती है। और उस पर भी देखें तो स्ट्रॉन्ग रेखा अप टू एंड तक चल रही है, तो व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी आफ्टर 56 व्यक्ति अपने दिल से खर्च करेगा। इनकी वर्तमान उम्र आयु 35 के आसपास है, और हो सकता है ये थोड़ी सी झुकाव सूर्य पर्वत की ओर है इस रेखा का, तो हो सकता है विदेश से भी धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में बने, और बुढ़ापे तक इनकम इनके पास कंफर्टेबल आती रहेगी। और जब शनि पर्वत एक रोड की तरह फ्लैट होता है तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, एनर्जेटिक होता है। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर देखें तो मुझे एक स्क्वायर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये चारों ओर से पैक है और इतना बड़ा स्क्वायर है, तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई जमीन या घर लेता है खुद का, और 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, तो हो ना हो जीवन में इनके उस तरह का लाभ मिला होगा अगर ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ होगा। दूसरा, बड़े घर में रहने का सौभाग्य और बोलने की कला में महारत हासिल होती है इनको, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो कभी ना कभी जीवन में मल्टीपल इनकम के स्रोत भी इनके डेवलप होंगे। पर इस तरह का गुरु पर्वत व्यक्ति को काफ़ी परेशानियाँ देता है, और ज़्यादातर परेशानियाँ अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को फैला नहीं पाता जैसा चाहिए वैसा। दूसरा एक माइनस पॉइंट होता है, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं और सांसारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। ये दोनों समस्याएं जब आपका गुरु पर्वत दबा होता है तो, या परिवार से दूर रहना पड़ता है, कोई ना कोई इस तरह की वस्तु जीवन में होती है परिवार से रिलेटेड। मैं इसको डेवलप करने का उपाय दूंगा इनको। और जिसका भी शुक्र पर्वत अच्छा हो और उसका गुरु उसके मुकाबले में कमज़ोर हो, तो व्यक्ति को जो धन प्राप्ति के जो रास्ते उनके नसीब में लिखे उससे वो कम प्राप्त करता है। इनको अगर बैलेंस किया जाए तो सामाजिक, पारिवारिक और सांसारिक सुख भी अच्छा मिलता है, प्लस धन के मामले में भी अच्छा खासा सहयोग मिलता है। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल पर देखें तो बहुत सारी रेखाएं चल रही है, ये चिंतित स्वभाव की ओर इशारा करती है व्यक्ति को, पर इतनी भी नहीं है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो, पर फिर भी ये लोग काफ़ी चिंतित स्वभाव के इंसान रहते हैं। और अंदरूनी मंगल इतना भी कमज़ोर नहीं है, अच्छा खासा है, तो शरीर की एनर्जी तो इनके जीवन में अच्छी रहेगी। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल की ओर। बाहरी मंगल अच्छा खासा उभार है, तो व्यक्ति जिससे भी मिलेगा एनर्जी के साथ मिलेगा, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय ऐसे लोग अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। अब देखें यहाँ पर चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा, और इतना अच्छा चंद्र पर्वत व्यक्ति का जीवन में विदेश से संबंध लाता ही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा चंद्र पर्वत है। और यहाँ पर देखें तो एक एडिक्शन लाइन भी है,
ये लाइन व्यक्ति को कितनी भी समृद्धि आ जाए, कितनी भी सफलता मिल जाए, व्यक्ति एक खालीपन महसूस करता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन अपने जीवन में लगाता है। धार्मिकता की हो या कामुकता हो या चाय कॉफ़ी सिगरेट तंबाकू, 1760 व्यसन है, उसमें से कोई ना कोई व्यसन अपने जीवन में व्यक्ति लगाता है उस खालीपन को भरने के लिए। और यहाँ पर अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, और ये अगर स्टार इनके थोड़ा सा ऊपर होता तो ये अचानक धन लाभ के अच्छे खासे मौके देता था। और कोई भी साइन पर्वत पर रहती है कहीं पर भी तो वो फल देती है, साइड में हो तो इतना बड़ा फल व्यक्ति को नहीं मिलता। और इनका मनी ट्रायंगल अच्छा खासा बना हुआ है, तो धन के मामले में तो इनके पास जमा होता रहेगा और इनकम के भी अच्छे खासे स्रोत जीवन में डेवलप होते हैं। और जब इतना अच्छा शुक्र वलय आने के बाद ज़्यादा टेंस होता नहीं व्यक्ति को, धन के मामले में अच्छी खासी इनकम होते रहती है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा उठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, और ना ही कोई ऐसी बारीक रेखाएं इनको काट रही है कि ज़्यादा टेंस हो। और ज़्यादातर मोटी रेखाएं है तो लग्जरी लाइफ तो लग्जरियस रहेगी और इनकम के स्रोत भी अच्छे खासे इसके द्वारा क्रिएट होते हैं। तो शुक्र पर्वत काफ़ी बेटर है, कोई मुझे खामी या कमी इस पर दिख नहीं रही है। अब चलते इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा देखें तो कंप्लीट गुरु पर्वत से कौर लेकर घूम रही है। ये सच्चे प्रेमी होते हैं, ये जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन भी करते हैं, हाथ में हाथ डाल के घूमना, ये इस तरह का भी मूवी वाला जिसे कहते प्यार करना, इस तरह की इनकी मानसिकता होती है। और ये काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, और सबसे साथ में काम करने वाले लोग हो, परिवार के लोग हो या आस पड़ोस के लोग हो, सबसे ये मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव रहता है। और जब गुरु से पर्वत से टच हो गए हृदय रेखा, यानी आप कंप्लीट विश्वासु किस्म के इंसान होते हो, किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से व्यक्ति देकर आता है, इतने विश्वासु होते हैं। पर इसी हृदय रेखा पर देखें तो बहुत सारी रेखाएं इस तरह से जा रही है, ये अपने मित्रों को या सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस आएगा नहीं, ये नेकी कर दरिया में डाल। पर ये एक लाइन ऐसी है, इनको पता भी होगा तो भी ये आदत इनसे जाती नहीं, ये किसी न किसी रूप से हेल्प करेंगे ही। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन कंप्लीट जीवन रेखा से टच होकर आगे जा रही है, और इसी माइंड लाइन पर देखें तो ये पार्ट थोड़ा सा कंजेस्टेड है, यानी काफ़ी हलचल है, बहुत सारी चीज़ें उस पर वार हो रही है। तो ये जो पीरियड है, लगभग पीरियड होगा इनके जीवन का 32-33 साल तक या 36 साल तक पकड़ो आप, ये किसी न किसी रूप से थोड़े से प्रॉब्लम जीवन में इनके क्रिएट होते रहे होंगे और तकलीफें उठा रहे होंगे, या तो आगे बढ़ने की तकलीफ कहो या कोई ना कोई जीवन में टेंस आता है जब माइंड लाइन इस तरह से होती है, पर उसके बाद धीरे धीरे स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है। और माइंड लाइन छोटी है तो व्यक्ति एक बुद्धि चातुर्य में कोई कमी नहीं रहती, पर एक सर्टन लेवल तक का ही दबाव व्यक्ति सहन करता है और उसके बाद विस्फोटक हो जाता है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है व्यक्ति में। और चंद्र पर्वत पर छू रही है तो व्यक्ति का इमेजिनेशन पावर काफ़ी बढ़ जाता है। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर भी देखें तो यहाँ पर झिकझैक है, तो व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जीता है, संघर्षपूर्ण, और ये यहाँ से लेके इस पार्ट तक, यानी उम्र के लगभग
सेम जो माइंड लाइन कह रही है वो इनकी जीवन रेखा भी कह रही है। लगभग 30-32 साल तक ये अच्छा खासा संघर्ष झेल रहे और उसके बाद इनकी जीवन रेखा स्मूथ होकर आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रही है। पर इसी रेखा पर राहु रेखाओं का भी कंटिन्यू वार है, यानी सब कुछ अच्छा होते हुए भी बीच बीच में इनके रुकावटें जीवन में आएगी। ये उस पीरियड में काफ़ी तकलीफ उठाएंगे। एक आपको बताऊं तो ये लगभग 33 के आसपास है, एक 35 के आसपास है जो ये वर्तमान पीरियड है उसमें, एक उम्र 43 के आसपास है और उसके पहले भी एक छोटी सी राहु रेखा है वो 42 के आसपास और ये 43, और एक रेखा 50 के आसपास है। और एक रेखा बावन के आसपास और एक 62 के आसपास। ये इतनी राहु रेखाएं इनको जीवन में ज़्यादा परेशान करेगी। ये पीरियड जब भी आएगा व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टेंस लगा रहेगा और आर्थिक नुकसान भी जाता है व्यक्ति को, रास्ते बंद होते दिखते हैं, आगे सब कुछ डिस्टर्ब होता दिखता है। पर जैसे ही राहु रेखा का प्रभाव कंप्लीट होता है व्यक्ति की गाड़ी वापस शुरू हो जाती है और अर्निंग करना शुरू कर देता है। पर उस पीरियड में व्यक्ति काफ़ी हैवी टेंस से निकलता है और देखा गया अच्छा खासा आर्थिक कष्ट भी उठाता है, नेगेटिविटी आती है, व्यक्ति को सब कुछ स्टॉप होता हुआ दिखता है, अब आगे का रास्ता बंद होता दिखता है। ये सारी चीज़ें राहु रेखा के कारण होती है। मेरी इनसे सलाह, डेली आपको स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना है, जब तक आप जी रहे हो तब तक कंटिन्यू ये आप कार्य करो। ये राहु रेखा है, जीवन रेखा की तो मैंने निकलते देखी है लोगों के जीवन में। हाँ, धन रेखा पर जो राहु रेखा रहती है उसको निकलते नहीं देखा है, पर इस रेखाओं को तो 100% मैंने निकलते देखा है, पर 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद। और दिल से आप खाना खिलाइए स्ट्रीट डॉगों को, ये 100% आपको बेनिफिट करेगा। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन पर। फेट लाइन को देखें तो कंप्लीट जीवन रेखा से शुरू होकर आगे तक यहाँ तक चल रही है और एक फेट लाइन इनकी यहाँ से भी निकलकर इस तरह से जाती है। तो बहुत बार शुक्र क्षेत्र से जब कोई फेट लाइन आगे बढ़ती है तो पारिवारिक सहयोग से भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। तो दो दो फेट लाइन है तो बेसिक चीज देखे तो व्यक्ति करोड़पति बनता ही है, दो फेट लाइन है तो। और मल्टीपल इनकम के स्रोत जीवन में क्रिएट होते, और इसी फेट लाइनों पर बीच बीच में जब भी ये रेखाएं काटती होगी, ये सीधी है, ये आर्थिक नुकसान नहीं देती, ये एक काट रही है 35, और ये जो पीरियड होगा 35 से लेके 33 से लेके लगभग 36 तक का पीरियड थोड़ा सा इनका तकलीफदायक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन डिस्टर्ब होते दिख रही है। पर 37 के आसपास से वापस इनकी शुरू हो रही है और यहाँ पर भी ये फेट लाइन डिस्टर्ब है और यहाँ से वापस अच्छी खासी शुरू हो रही है, और उसके बाद ऐसा कोई कटाव इनकी फेट लाइन पर नहीं है। जो भी कट है वो हृदय रेखा से निकल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट की ओर इशारा करता है, वो टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो कट है ये व्यक्ति को परेशान करते, और जनरली देखे तो इनके इस पीरियड तक कट चल रहे, ये पीरियड होगा लगभग 43 के आसपास, 42-43 के आसपास, ये बड़ा आर्थिक कष्ट इनको जीवन में आएगा और उसके बाद इनकी गाड़ी अच्छी खासी चलेगी। यानी मिक्स टाइप की इनका जीवन रहेगा, मिक्स के टाइप का, सफलता असफलता साथ साथ में चलेगी।
आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।